नमस्कार, यूथ कर्नर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के सिंगवेरपुर के गऊ घाट पर। आपको बता दें कि यहां पर रविवार को यानी 22 तारीख को चोरी हुई थी, जो 100 वर्ष पुरानी अष्टधातु की मूर्तियां बदमाशों द्वारा चोरी कर ली गई थी। तो वही है, हम घटना स्थल पर हैं इस समय। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो चोरी की घटना हुई थी मंदिर में, आपको वहीं पर लिए चलते हैं। और अब तक चोरों को जो मूर्तियां यहां से चुरा ले गए थे उनकी बरामदगी नहीं हो पाई है। और हम आपको लिए चलते हैं यहां पर जो गऊ घाट पर यह मंदिर स्थित है, और वही दृश्य दिखाते हैं यहां पर मंदिर के अंदर। हम आपको लिए चलते हैं, आप देख सकते हैं कि यह मंदिर है। मंदिर के अंदर 100 वर्ष पुरानी अष्टधातु की मूर्तियाँ थी राधा कृष्ण की, जिसको चोरों द्वारा यानी रविवार को चुरा ले गया चोर द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर थे जिस समय चोरी हुई थी जी। तो क्या हुआ था, कैसे आपको पता चला? महाराज जी, 3 बजे भोर में जब 23 तारीख को 3 बजे भोर में जब उठे, स्नान किए गंगा जी, जब यहाँ जल चढ़ाने आए तो देखे तो मंदिर का ताला टूटा था। तो फिर ये हमारे भाई साहब आए, दौड़ के महाराज जी बुलाए, तो देखे तो ताला टूटा था। फिर तुरंत मंदिर का गेट खोले, देखे तो मूर्ति गायब थी। वहाँ एक पाँव के चांदी के लड्डू गोपाल भी थे। तो अब पता नहीं उनके मन में क्या आया कि उनको तो नहीं ले गए, जस्ट यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई थी, ये बगल में जस्ट इसी बगल में आधार कार्ड और उनका उनके पत्नी का पासबुक का फोटो कापी और 2-3 फोटो पड़ी हुई थी। और जो चोर होगा जी कहाँ पर गिरा था? यहीं पर बगल में, यही बगल में गिरा था। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि चोरों का जो आधार कार्ड था, पासबुक की फोटो कापी थी, वो यहीं पर गिरी थी। उसी के द्वारा पुलिस उन चोरों के पास पहुंची और उनको गिरफ्तार की है। आप बाबा जी दिखा रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो मूर्ति है अष्टधातु की, जो पुरानी मूर्ति है, 100 वर्ष पुरानी मूर्ति बताई जा रही है, यही इसको चोरों द्वारा चुरा लिया। वाया लाइट जल गई, फिर मैं आ गया यहाँ पूजा करने सुबह में। हाँ, 3:30 बजे की बात है। तो हम 4 बजे से अपना पूजा शुरू किया, 4:30 बजे लोग आए, कहे मंदिर का ताला टूटा है राधा कृष्ण मंदिर का, और मूर्ति नहीं है राधा कृष्ण भगवान की, अष्टधातु की मूर्ति थी। और ये अष्टधातु की मूर्ति राधा कृष्ण की अति प्राचीन है। ये कितने वर्ष हो गए? यानी 100 वर्ष पहले पहलवान स्वामी थे, 100 वर्ष पहले पहलवान स्वामी के बाद श्री गंगा स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज थे, और उनके बाद सुखपाल दास थे, राम अवतार दास जी थे, वो यहाँ से चले गए थे। और फिर मैं आया कौशाम्बी से, तो यहाँ अखंड संकीर्तन प्रारंभ करा, अखंड संकीर्तन वहीं से होते आया 30 मई 1996 को, और बहुत लोग साथ में थे। रास्ते में भंडारा होते हुए आया, उस समय ये मार्ग नहीं था, राज मार्ग राष्ट्रीय मार्ग नहीं था, पुल नहीं था, प्रयाग की तरफ से आए राज वाला जो, हाँ, पोखराज का पुल नहीं था उस समय। हम फाफा मोह करके आए, हमारे साथ करीब 200 गाड़ियाँ थी, ट्रक ट्रैक्टर, ट्रक में कीर्तन करते हुए हारन लगा हुआ था, खंड ज्योति लेकर के आए। रास्ते भर पूरी बूंदी बढ़ती हुई आए, प्रसाद बांटते हुए आए। और यहाँ हम लोग, तब यहाँ कोई जल का साधन नहीं था, गंगा जी के जल से पूरे मंदिरों को धुलाया गया। हमारे कौशाम्बी गढ़ोवा गांव के केवट लोग, शिष्य लोग आए, पूरे मंदिर परिसर को धुला, कीर्तन प्रारंभ हुआ, स्थापित हुआ। तब से अनवरत अखंड कीर्तन, अखंड भंडारा, अखंड ज्योति चलता आ रहा है। यहाँ पर 24 घंटे सीताराम का पाठ किया? हाँ, 24 घंटे प्रतिदिन भंडारा। आज शुक्ला जी का भंडारा था, तेलियरगंज के भंडारा किए, सब संतों को भक्तों को दक्षिणा दिया उन्होंने। तो बाबा जी, ये बताइए कि जो चोरी घटना हुई, क्या जो चोर थे पकड़े गए? हाँ, चोर पकड़े गए। जब चोरी हो गई, 5 बजे हम थाना अध्यक्ष दुबे जी को फ़ोन किया, तो 3-4 बार हमने किया, उनका फ़ोन नहीं उठा। 5वीं बार दुबे जी फ़ोन उठाए और बोले, महाराज जी सादर चरण स्पर्श प्रणाम, बताइए। हमने कहा यहाँ चोरी हो गई, और 10 दिन पहले हमने दुबे जी को आगाह कराया था कि आप चाहे 2 होमगार्डें भेजिए, हमको संदिग्ध व्यक्ति देखते हैं यहाँ। तो दुबे जी ध्यान नहीं दिए, बोले हाँ आप निश्चिंत रहें, 112 नंबर हम मैं भेजता हूँ यहाँ से, प्रतिदिन 11-12 बजे रात में जाते हैं। हमने कहा ठीक है, फिर मैं वाराणसी चला गया,
वहाँ से आया थे रात में 12 बजे से 2 बजे के बीच में घटना घट गई। वो सब दारू पी के आए थे, 5 लोग थे। और उधर का राधा कृष्ण मंदिर का ताला हल्का था और उसको प्लास से तोड़ दी, अंदर घुस गए, मूर्ति उठा ले गए। वहीं लड्डू गोपाल भगवान थे, हमको रीवा में भागवत में सेठ जी ने दिया था, उनको नहीं ले जा पाए। और उनका आधार कार्ड, उनकी डायरी, फोन नंबर की, फ़ोन नंबरों की डायरी और पासबुक फ़ोटो सहित मिला उनका मंदिर के पास। हाँ, मंदिर में ही। अच्छा, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? गिरफ्तार कल्लू को किया गया जिसका आधार कार्ड मिला है, और सालिक राम को गिरफ्तार किया गया है, और दीपक नाम का लड़का दिल्ली भाग गया है, उसको एसटीएफ फोर्स और थाने की फोर्स गई है उसको पकड़ने के लिए। दिल्ली गई है फोर्स? हाँ, दिल्ली। लेकिन अभी जिस लोकेशन पर वो लोग घूम रहे हैं, जैसे पटना ग्राम सभा है, वहाँ पहुँच चुके हैं, बस उस एरिया में पहुँच गए हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है फोर्स अभी उसके पास तक। आप हमको सूचना मिली कि आप जल ग्रहण और फल ग्रहण छोड़ दिए थे? 4 दिन जल और फल नहीं लिया। कल 12:30 बजे हमने जल फल लिया, अपना अनशन तोड़ा। मुझे बहुत अपार दुख है क्योंकि भगवान राधा कृष्ण, भगवान श्री सीताराम जी हमारे आराध्य देव हैं, उनको उनका प्रतिदिन पूजन अर्चन होता था, माखन मिश्री का भोग लगता था, और वो चले गए हमारे सामने, हमारे रहते हुए चले गए, इसलिए हमको अपार दुख है। मैं चाहता हूँ कि जो मुलजिम पकड़े गए हैं वो यथावत सत्य चोर हैं, और सत्य चोर न होते तो उनका आधार कार्ड जो पकड़ा गया, उनकी डायरी जो पकड़ी गई, सर्विलांस में सब नंबर लगे, पुलिस उनको पकड़ रही है, उनसे बयान ले रही है, लेकिन कड़ाई के साथ उनसे उनको करंट छुआया जाए दोनों कानों में, वो तत्काल कबूल करेंगे, मूर्ति मिलेगी, ऐसी हमको पूर्ण आशा है। जो मूर्ति है उसकी कीमत कितनी होगी? क्या कीमत? करोड़ों की है, आज के समय में करोड़ों की कीमत है उनकी, करोड़ों की कीमत है। राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति अष्टधातु की थी, ये पहलवान स्वामी ने मूर्ति निर्माण करा करके स्थापित किया था। पहले गुफा में मूर्ति थी, फिर ऊपर कमरे में थी, वो जो कमरा दिख रहा है उस कमरे में रहता था। ये तो 10 लाख रुपए यहाँ के भूतपूर्व विधायक विक्रमाजीत मौर्य ने दिया था, कमरा बनाना, यहाँ 10 फुट गड्ढा था, तो मूर्ति अति प्राचीन थी वो। आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में, या अभी जो चोरी घटना हुई, क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से मैं चाहता हूं, कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब हमारे पास परसों फोन किए 1 बजे दिन में, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप जल फल ग्रहण करिए महाराज जी, मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूं। दुबे जी लाइन हाजिर हो गए, दूसरे थाना अध्यक्ष अनिल मिश्र जी कल 5 बजे ज्वाइन कर लिया, और 5 बजे उनकी विदाई हो गई, पुलिस लाइन चले गए। तो हम ये चाहते हैं कि अविलंब, हमारे कई आश्रम हैं, कोसाम्बी में 2 आश्रम है, चित्रकूट बनवासी राम मंदिर है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ से फ़ोन आता है। जब तक हमारी मूर्ति राधा कृष्ण की नहीं मुझे प्राप्त हो जाती, मैं उनका भोग राग, पूजा आरती भोग राग नहीं कर लेता हूँ, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा। और प्रशासन अविलंब, चाहे जहाँ भी हो, प्रशासन चाहे तो एक सुई जमीन के नीचे से मुर्दा भी उखाड़ सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आश्रम की, बड़े आश्रम परिसर की सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन के द्वारा अस्थाई यहाँ चौकी हो, पुलिसकर्मी यहाँ हमेशा रहें, आश्रम की तरफ से उनको भोजन दिया जाए, आश्रम की तरफ से आवास दिया जाए, और यहाँ परमानेंट, क्योंकि ये जंगल है, वन है। यहाँ कुछ दिन पहले मोर मारने वाले खंजा के मुस्लिम लड़के आते थे, 20 साल पहले, थाना अध्यक्ष विनंदन राय थे, थाना अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण यादव जी थे, घर पकड़ किया, बहुत पिटाई किया, उन्हें थाने में बंद किया, दूसरी मियाँ ने उनको छोड़ाया 20,000 पेनाल्टी दे करके, नहीं आजीवन वो उनको कारावास हो जाता, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आजीवन जेल चले जाते। यहाँ डर का माहौल बना रहता है बाबा? डर का माहौल है ही है, डर का माहौल है, क्योंकि चारों तरफ से जंगल है, खुला है, यहाँ कसाई भी आते हैं, कई बार हमने दौड़ाया, फायरिंग कराया, गाय पकड़ने के लिए हमारी गौएं दिन भर चरती हैं, आके रात में विश्राम करती हैं, जो दूध देने वाली गैया हैं वो गौशाला में रहती हैं, सेवा सबकी होती है। यहाँ कसाईयों को हमने दौड़ाया, धमकाया, फायरिंग कराया, अब नहीं दिखाई देते, जब मैं रहता हूँ तब नहीं आते। वो ये थे पलाहारी बाबा जयराम दास महाराज जी, इनकी मांग है कि जो चोर पकड़े गए हैं उनसे कबूला जाए, कड़ाई से कबूला जाए कि वो लोग यही चोरी किए हैं, और अष्टधातु की मूर्ति यहाँ पर आए, और सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस की चौकी यहाँ पर बने। हमारे बीच में हैं
संजय तिवारी जी, हम उनसे बात करने की कोशिश जी है। बताइए कि आप देख रहे हैं, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, सनातन धर्म पर आप तिरुपति मंदिर की बात कर लेते हैं तो सनातन धर्म को अपमानित किया जा रहा है और देख सकते हैं भगवान को भी नहीं लोग छोड़ रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं संजय तिवारी, जिला अध्यक्ष गंगा पार प्रयागराज, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। इस विषय पर मेरी तरफ से यह कहना है कि सनातन विरोधियों के द्वारा सनातन धर्म पर बहुत ही गहरा प्रहार और चोट पहुँचाई गई, इससे आम जनमानस, साधु महात्मा जन, हम सब लोग बहुत ही स्तब्ध और दुखी है और स्थानीय प्रशासन से और जिले के पुलिस के आला अधिकारियों से पिछले दिनों में भी हमने मांग किया और आज के आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करता हूं कि स्थानीय पुलिस की सुरक्षा के साथ साथ यहां अस्थायी रूप से पुलिस बल तैनात किए जाएं और महाराज जी श्री श्री 1008 जयराम दास जी महाराज फलाहारी बाबा को एक सुरक्षा गनर भी प्रदान किया जाए, क्योंकि इनको जान माल का यहां निरंतर खतरा बना हुआ है। सनातन विरोधी, क्योंकि यहाँ अखंड संकीर्तन 36 वर्ष से लगातार चल रहा है और लगातार भंडारा चलता रहता है, सनातन विरोधी महाराज जी से इस बात से भी ईर्ष्या रखते हैं, भगवान का नाम मनोरथ यहाँ लिया जा रहा है, उससे भी सनातन विरोधियों को बहुत ईर्ष्या है। बाकी जैसा कि अभी महाराज जी ने अपने बयान में बताया कि कुछ दिन पहले भी, 3-4 दिन पहले से साइकिल कुछ वगैरह चोरी या तमाम इस तरह की छुटपुट घटनाएं हो रही थी। धर्मेंद्र दुबे जी अर्थात धर्मेंद्र कुमार दुबे प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबगंज को बताया गया, लेकिन उनकी घोर लापरवाही की वजह से, उन्होंने अगर ध्यान दिया होता तो आज ये राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति चोरी नहीं हुई होती। अगर प्रशासन का दबाव बना होता तो प्रशासन चोर उचक्कों का मनोबल डाउन होता। अभी मैं देख रहा हूं कि दो पुलिस सुरक्षा कर्मी यहां पर मौजूद हैं, इससे पहले अगर यही पहले सतर्कता बरतते तो नहीं होता, आज ये चोरी नहीं हुई होती। इस ये आप जानिए कि यह प्रशासन धर्मेंद्र कुमार दुबे प्रभारी निरीक्षक की लापरवाही की वजह से आज हम लोग ये इतना घोर संकट का सामना कर रहे हैं कि हमारे भगवान राधा कृष्ण भगवान यहाँ से चले गए और अभी निरंतर पुलिस का अब स्थानीय प्रयास कमिश्नर साहब, डीसीपी गंगानगर, जंग बहादुर यादव, एसीपी सोराव, सरत सिंह चौकी इंचार्ज लाल गोपालगंज, मारुति नंदन तिवारी सिंहदेवपुर, इनका बहुत अथक प्रयास है। इनके प्रयास में एसओजी की टीमें का बहुत अथक प्रयास है, इनके प्रयासों में कोई कमी नहीं है। लेकिन जहां तक ये मामले की बात है, महाराज जी ने स्पष्ट रूप से बयान दिया ना कि दुबे जी से बताया गया लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, महाराज जी अपने बयान में कहा, और उसी की वजह से देखिए आला अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए उनको लाइन भी हाजिर कर दिया। तो ये थे संजय तिवारी जी और बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण यह घटना घटी और चोरों द्वारा करोड़ों की अशुद्धार्थ मूर्ति को चोरी चोर